हे गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी साइड पे चल रहे हैं भाई, काफी लेट हो गए हैं जाने की, भाई प्रॉब्लम है तो पता ही है। जैसे भाई इधर अपना खड़ा है ग्रेटर, चलते हैं भाई। 43 चैलेंज भी जाना है जहाँ रात गई थी। इधर हमारे ध्यान पर उस्ताद भी आ चुके हैं। मेरा नाम राम भाई, तो कभी बाल काले वाले करवाए हुए हैं भैया। भाई ये गाड़ी है अपनी, इसमें बैठ के जाना है भारत में। ये भाई अपना पुराना वाला कमरा है, ये अपना पुराना कमरा, यहाँ पे भाई अब रहते हैं ड्राइवर भाई सारे। दोस्तों खड़ी है गाड़ी, ये तो पूरी भरी हुई है यार, एक ऊपर सीट बनवा ली इसकी। ये हमारे राजा उस्ताद, क्या हाल है राजा? बढ़िया। ठीक हो नंदलेश भैया? क्या करता, ठीक हो? ठीक ही जा रहा है। ये है भाइयों भोपाल का कैंप, इधर भाई सारे रूम वगैरह बने हुए हैं रहने के लिए। तो सही नंबर है, तो यहाँ है नल अपना, यहाँ से भरेंगे पानी। राजा इधर दबा ले, इधर रास्ते पे दबा ले, आगे नहीं दबा लो अंदर को, यहाँ कोई नहीं आता जाता। भर के ले आके हम पर जल्दी अरविंद, आराम से आराम से। पहुँच गए हैं साइड पे, इधर अपनी साइड पे गाड़ी भाई काफी खड़ी है अनलोड होने के लिए। उतर जा, इतना टाइम हमारे उस्ताद। क्या कर रहे हैं उस्ताद जी, ठीक हो कपिल? हाँ उस्ताद जी ठीक हो? ठीक है। चल रहा है पानी उनी? चल रहा है। आज गांव वाले भाई साहब कोई मारने आ जाएगा, चला रहा है ना? देखो भाई कैसे उड़ रही है फ्लाई ऐसे। और रोहित उस्ताद क्या हाल है? ये भाई अपना इधर ग्रेटर खड़ा है, उधर बैकहो लोडर खड़ी है, तो बेबी रोलर टैंकर वगैरह सारी मशीनरी इधर ही खड़ी है भाई। आराम से रखिए। देख धन्यवाद भाई, बोतल पता ना किसने निकाल गुल ली होंगी यार, वो तीन चार दिन तो हो गए। तो भाई वो तेल पानी चेक कर लिया है, अब सलफ मारते हैं, चाबी इधर पड़ी है भाई। मशीन पे जाला बहुत लग रहा है भाई, पीछे भाई पूरा जाला साफ करके आए, और आगे भाई बहुत लग रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, जैसे भाई तेल लग रहा है ना, ये जाला लगा हुआ भाई मुझे बहुत बुरा लगता है। इधर भाई जा रही है फ्लाई ऐश की गाड़ियाँ चढ़ रही है ऊपर। तो भाई अरविंद ने थोड़ा काम बताया, रास्ते पे ब्लेड मारना है, इधर आगे मारते हैं भाई ब्लेड, इधर जेसीबी मार रही है रास्ते पे लोडर। ये देखो दोस्तों उस दिन हमने रास्ता बनाया था ना नीचे फ्लाई ऐश डाल के, आज तक दोस्तों रास्ता खराब नहीं हुआ यहाँ से लेके वहाँ तक टुकड़ा पूरा। तो इधर दोस्तों पीछे भी मार रहा था मैं ब्लेड, आगे तक उधर रोड तक, अब इधर आगे मारता हुआ जा रहा हूँ ब्लेड, और देखते हैं भाई और क्या क्या काम है ग्रेटर के लायक। पांचवा ग्रेटर लग गया भाई, तो ब्लेड मारता हुआ दोस्तों मैं यहाँ तक आ गया हूँ यूपी तक। दोस्तों देखो यहाँ पे ए टू साइड में कितनी फिलिंग कर दी भाई, आगे भाई स्टॉक ही स्टॉक है पूरा, आगे भाई चल रही है पोकलैंड साइड में भाई, अभी पैनल लगने शुरू नहीं हुए हैं, पानी भरा हुआ इसलिए। इधर बेड बनाया था पता नहीं क्या हुआ उसका, क्या नहीं हुआ समझ में नहीं आया। देख रहे हो दोस्तों कितना स्टॉक कर दिया भाई फ्लाइस का, पूरा आगे स्टॉक ही स्टॉक है वो वहाँ तक आगे तक। दोस्तों ग्रेटर उधर खड़ा कर दिया है पीछे साइड पे, और दोस्तों मैं और ज्ञानपाल भाई साहब जा रहे हैं कुछ खाने। मैं खाना दोस्तों लाया नहीं हूँ क्योंकि लाडी भाई था नहीं, खाना होना बनाया नहीं भाई, सुबह में था थोड़ा लेट, रात में भाई लेट सोया था, 2 बजे सोया था, सुबह उठा मैं 7:15 बजे, फिर अपना रेडी वेडी होने में टाइम लग गया भाई, खाना वाना कहाँ बन पाता। सुधीर भाई साहब थे कमरे पर, उन्होंने बनाया होगा लेट बनाया होगा, फिर भाई मैं तो आ गया था ड्यूटी। भाई एक बाइक मिल गई है इस पर बैठ के जा रहे हैं भाई, यहाँ पे आ गए हैं हम, ठीक है भाई। ये भाई वही पुल है अपना रोहतक से पानीपत वाला, इसके नीचे भाई है मिलते छोले कुलचे स्पेशल वाले, 2 प्लेट लगा दो कुलचे। मैं सवारी तो बढ़िया मिल गई थी, बस नॉर्मली रखी हो मिर्चे, नसीब खराब होता तो हर तरीके से होता। हाँ, और नसीब अच्छा बढ़िया आया तो, बढ़िया आया तो देखो, उसने रास्ता पूछा अपने बाइक भेज दी। हाँ, भाई ने रास्ता पूछा था हमसे, हमने कहा चलो वहाँ तक रास्ता हम बता देंगे, और भाई यहाँ तक बैठ के भी आ गए, आ चुके हैं अपने छोले और कुलचे भी आ चुके हैं। तो भाई छोले कुलचे खा लिए, बहुत ही अच्छे बनाए थे अंकल जी ने। और भाई अब चलते हैं साइड की तरफ, तो भाई ये हमें मिल गया है ब्रिज गोपाल का एक हाईवा, इसमें भाई बैठ के जा रहे हैं। जीएसबी भरी है उस्ताद जी? डब्ल्यूएम टाटा से बढ़िया है लीलैंड का, नहीं वो तो है, मतलब फिर भी जान जोन लगाने में कैसी है टाटा से, ठीक है यहीं तक जाओगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहीं उतार दो मैं। बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद जी आपका, ठीक है उस्ताद जी। वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये भाई इधर तक ही आई थी गाड़ी ये। ये भाई डंप हो रहा है डब्ल्यूएम, इस तरीके से भाई डंप होता है देखो। ये भाई खड़ा है कैट का 120 ग्रेडर नए मॉडल वाला। ये भाई बाबा राम रहीम का आश्रम, जाओगे अंदर? अरे चले जाओ नंदन सतगुरु तेरा ही आश्रम।
उसको WM जब आगे तक डंपिंग हो जाएगी तब दोस्तों ये पार्टी क्लियर करेगी। इसके ऊपर टॉप होगा WM टॉप, WM टॉप दोस्तों होगा पेवर से शायद, पेवर चल रहे हैं दोनों इधर। WM दोस्तों फर्स्ट क्लियर बनी हुई है ये। तो यहाँ से दोस्तों 2 किलोमीटर पूरी साइड बची है अपनी, 2 किलोमीटर भाई अब पैदल ही जाएंगे हम। तो कंपनियों में दोस्तों ऐसे ही चलता है ग्रेडर, आधे टायर उल्टे डाल दिए आधे टायर सीधे डाल दिए। तो राइट साइड में पिछला वाला टायर दोस्तों उल्टा डाला हुआ है। ये दोस्तों चल रहा है ग्रेडर GSB में, एक एजेड उस्ताद जी है वो चला रहे हैं, ज़्यादा एज के हैं बेचारे। तो भाई वो कितने प्यार से चला रहे हैं, कितने धीरे 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 ऐसे। अगर मशीनरी चले दोस्तों तो मशीनरी में मेंटेनेंस आए ही ना उस्ताद जी। दोस्तों आपको एक बात बताऊँ ना, एक मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। जितनी धीरे दोस्तों ये ग्रेडर चल रहा है ना, इससे भी स्लो है दोस्तों ब्रिज गोपाल का काम। मशीन के ऊपर मत जाना आप, मशीन धीरे चल रही है इसलिए कह रहा हूँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितने धीरे मशीन चल रही है ना, इससे भी स्लो है दोस्तों ब्रिज गोपाल के काम करने की स्पीड। ये दोस्तों जा रहा है, देखो दोस्तों पहुँच गए अपनी साइड पे, पूरे पसीनों पसीने हो गए भाई, 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। तो भाई साहब कुलचे 60 में खा के माने हैं भाई, माना क्यों ना, जो भी बात भाई 40 जाते किराया। हाँ तो भाई 40 रुपए किराया बचाया, अब कुलचे पड़े 60 के, 30 रुपए रेट थी ना, इधर से भाई किराया बच गया, उधर से किराया बच गया 20-20 रुपए, 100 रुपए उठ जाते नहीं तो। तो दोस्तों इस साइड ना ब्लेड मारना है, तो बता रहा था अरविंद, मैं कहा ठीक है भाई। दोस्तों पानी तो डलने वाला है पर कोई नहीं, मार देते भाई, ऑर्डर है साहब का। तो आज दोस्तों फ्लाइयर्स ने तो बुरा हाल कर रखा है भाई, उड़ के बहुत ज्यादा उड़ रही है आज फ्लाइयर्स। तो भाई उस तरफ पूरे में ब्लेड मार दिया है, लेकिन अभी पानी की भाई बहुत कमी है, पानी डलेगा भाई फिर उधर थोड़ा बेड बनाना पड़ेगा। और अभी फिलहाल भाई इधर मार रहा हूँ ब्लेड लेफ्ट साइड, आगे भाई रिएक्शन होना है ना पैनल का, इसलिए भाई इधर ब्लेड मारना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं होना भाई, आगे होना है, यहाँ तो मैं वैसे ही ब्लेड मारते हुए लेके जा रहा हूँ। तो भाई इधर पूरे में मार दिया है ब्लेड, इधर रिएक्शनिंग होगी, इधर आगे यहाँ पे रिएक्शनिंग होगी। तो भाई अभी मैं फिलहाल रास्ते में ब्लेड मारते हुए आगे जा रहा हूँ A2 साइड में, उधर भाई काम करना है थोड़ा। दोस्तों अभी मैं A2 साइड में आया हूँ, पता नहीं अरविंद यहाँ पे क्या काम करवाएगा, इधर तो भाई मैं मार गया था प्लेट उस टाइम, पता नहीं किधर से लगाएगा ग्रेडर आ रहा है ये। हाँ इसके ऊपर टैंकर चढ़ाऊंगा इसमें। हाँ फिर क्या, पानी लगना है, ब्लेड लगाऊंगा। अच्छा इसके ऊपर है, इसके ऊपर दोस्तों बोल रहा है जहाँ ये लड़का आ रहा है ना साजन, इसके ऊपर भाई टैंकर चढ़ाएगा। इसे बेटा थोड़ा चौड़ा करवा ले तब तो चल भाई इसमें टैंकर। ये ग्रेडर ग्रेडर जाने की जगह तू कह रहा चौड़ा, कहाँ चौड़ा है ये? चलो क्या यार, मुझे यहीं से दिख रहा, बता इतना अंधा थोड़ी हुआ हूँ मैं, इतनी आंखें कमजोर ना हुई मेरी। ये पूरे ग्रेडर की फिक्स जगह इसमें लेके जाएगा तो टैंकर इधर उधर खिसक गया तो से कहा था क्या से कहा था इतने, तो खुद देखा तूने कि वो काम हुआ नहीं हुआ है, फोन पे फोन करे पड़ा। अब बंद क्यों कर रहा है कैमरा बेटा, ऐसी रिकॉर्ड करूंगा टेंशन मत। तो भाई ये इतना चौड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर इस पे भाई टैंकर चलेगा, देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। अरविंद सर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलवाएंगे यहाँ पे टैंकर। किधर को लेके जाएगा इधर को टैंकर, आगे इसके ऊपर, चाहे भले टैंकर इधर उधर लुढ़क जाए, ऐसे कैसे लुढ़केगा, और क्या, और चौड़ा करवाऊँ रास्ता ना। रहने चौड़ा करवाने की क्या जरूरत है बेटा, रहने दे बहुत चौड़ा है, अरे बहुत चौड़ा यार रहने दे, हम खाई क्यों चौड़ा करवाएगा, डीजल पकवाएगा। तो भाई A2 साइड का काम कर दिया है जो इसने करवा रहा था अरविंद भाई, और इधर A1 साइड जा रहा हूँ भाई, इधर सागर जी आए हुए हैं शायद डीजल लेके, इधर दोस्तों ध्यानपाल अंकल रोड चला रहे हैं। हाँ सही है, खड़े हो गए, पकड़ के खड़े हो ना, पर चलो ड्रम रख के लेके जा रहे हैं दोस्तों, वो आगे डीजल की गाड़ी खड़ी है, सागर सर लेके आ रहे हैं। कोई ना, आज की भड़क और झेल लो, कल से टेंशन फ्री, आज आ जाएंगे शाम को। दोस्तों टैंकर ड्राइवर बुला रहे हैं, कल से दोस्तों फ्री हो जाएंगे ये। ये दोस्तों अपनी कंपनी के ड्राइवर तुलसी उस्ताद, सबसे पुराने ड्राइवर। तो सर मेरे को दे गए हैं डीजल डालने के लिए, और अपने दोस्तों चले गए खुद वहाँ पे ग्रेडर चलाने के लिए, ग्रेडर ले गए हैं, आपने भी दिखाता हूँ। तो सर हमारे चला रहे हैं ग्रेडर, ये कहाँ को जाओगे, चढ़े ना, चढ़ेगा नहीं, गियर वैसे ही बहुत बड़ा है, लाइट पे भी लग सके ना, ऐसा कैसे लग जाएगा यार। पहले ब्लेड ने ना सीधा करा करो आप, जब तक सीधा नहीं करोगे तब तक रखने की जांच नहीं आएगी। इस तरह हल्का टिका के चलो, हल्का उठा के, हाँ जिस तरफ, हाँ उठा लो हल्का सा, इधर हल्का 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 और उठाओ, हल्का और उठाओ, इधर दबाओ, इधर दबाओ, हाँ यूँ और दबाओ उधर, हाँ और हल्का इधर उठा लो, और उधर हल्का दबा दो, इधर उठा दो, बस इस तरीके से हल्का हल्के धीरे धीरे साथ सेट होगा। सर को आज ट्रेनिंग दी जा रही है, इसको नीचे करके ना, हाँ बस बाकी ब्लेड चलते चलते रख दिया करो, पहले आगे भी देख करो ये, बस बस सही।
हल्का इधर उठाओ, हाँ बस 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 बस, एकदम से ज्यादा इधर इधर दबाना होता है ना तो इधर उठाना भी पड़ता है, समझ गए, एकदम से ज्यादा इधर दबाना है तो इधर उठाना पड़ेगा। हाँ बाबा इस बार ब्लेड बढ़िया मारा, ऐसे फिनिशिंग मारने में हाथ सेट होता है सही। बस बस बस, अब ब्लेड ब्लेड हल्का उधर निकाल लो, सर्कल शिफ्ट हल्का उधर कर लो, सर्कल शिफ्ट कर लो इस वाले लीवर से। हाँ इससे इधर से ना इतना ब्लेड रख लिया करो ताकि नया जो बंदा होता है ना इधर दिख जाएगी, हाँ तो कितना ब्लेड इधर टिक रहा है, इधर अपने को टिका के चलना है, इधर वैसे मेड़ी बनाते रहना है, सारा जो मटेरियल है ना वो साइड को निकल जाए, ये मेड़ी के ऊपर टायर मत चढ़ाना, इधर को रखो हल्का, इधर उठाओ हल्का सा, हाँ यूं बस शाबाश, बन गए ऑपरेटर सर जी आप तो, मेड़ी से टायर इधर रखो हल्का, उधर दबाओ हल्का, देखो उधर दबाओ, बस बस बस, ना इधर गैप होने देना है ना इधर घुसने देना ब्लेड, हल्का उठाओ देखो उधर लोड ले रही मशीन एक साइड, हाँ बस चलो एक बार ना फिर इधर को ले लो, इधर से इधर को फिर हो जाएगा हाथ सेट। अब फिर दोस्तों दोबारा से कर रहे हैं एक साइड से इधर को, इस तरीके से दोस्तों हाथ सेट हो, हल्का सा दबा के रखो उधर, हाँ इस तरीके से, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, पहले ब्लेड में कोई दिक्कत नहीं, इधर लग जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर क्योंकि किनारे पे चल रहा है, बढ़िया ब्लेड लगा है इस बार, मत हाँ दोस्तों देखा सिखा दिया, नहीं सिखा दिया ग्रेटर, ब्लेड बढ़िया लग रहा है भाई। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों दिमाग का फर्क है भाई, माइंड आदमी तेज चलाए ना, जो आदमी जो सिखाए सिखाने वाला जो कह रहा हो उसको आदमी जल्दी नोट करे समझे तो भाई कोई बड़ी बात ना है ग्रेटर। देखा लगा नहीं ब्लेड बढ़िया, आप हल्का हल्का किनारा बनाया, तीन चार बार ब्लेड मारेंगे ना उधर से इधर को तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये जो लाइन बनी हुई है। फिर देखो रख लिया ब्लेड, चलते चलते ब्लेड रखेंगे ना तो सही रहेंगे, देखा हाँ बिल्कुल राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस, वाह भाई वाह, देख रहे हो हाँ, वेरी गुड माई स्टूडेंट, सही है, हल्का इधर दबा के रखो, देखा दोस्तों ब्लेड लगा बढ़िया, यही भाई फर्क हो जाता है, और मारोगे एक ब्लेड, लो सही लग गया ना, हाँ बड़ा कुछ फर्क बन गए नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, पहले तुमने कितने ब्लेड मारे होंगे उनसे आज कितने बढ़िया ब्लेड मारे ये देखो, अचल पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है भाई दोस्तों हमारी ये ब्लर स्टार्ट नहीं हो रही है, जब तक हमारा मोटा नहीं लगेगा तब तक स्टार्ट कैसे हो जाएगी भाई भाई भाई, ये देखो दोस्तों डीजल डल गया सब में, गाड़ी जा रही है डीजल वाली, सागर सब दोस्तों ब्लेरो लेके जा रहे हैं, पहले ब्लेरो मोहित सर लेके आए थे, भाई इसकी स्ट्रेंथ चेक हो रही है ना, तो ये बेसिकली सर जो दोस्तों कर रहे हैं BGCC से सर आए हुए हैं इंजीनियर, तो दोस्तों ये ना इसकी व्यू भी बनी हुई है ना, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, मतलब कितना मजबूत है मतलब कंपैक्शन कितना है इसमें, वो जो ले रहे थे भाई यंत्र ही कह सकते हैं भाई, अब उसका नाम पता नहीं है, तो उससे भाई उसमें भाई रीडिंग आती है, उससे पता लगता है मतलब कितनी स्ट्रेंथ से बना हुआ है, कितने अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। तो जैसे दोस्तों इस वाल की भाई चेक करी थी स्ट्रेंथ, ऐसी दोस्तों अभी ऊपर की कर रहे हैं JCB के लोडर में बैठ के, ऊपर दोस्तों ये स्ट्रेंथ चेक करेंगे इसकी तरीके से, फिर दोस्तों इस ऊपर की चेक करके भाई फिर इधर साइड वाले की करेंगे इस साइड की, तो देखो भाई इधर बारिंग डाल रही है एक्सावेटर यहाँ से नीचे से उठा के, ये भाई इधर पहले गड्ढा खोद लेती है ना, मिट्टी हटाई हुई है देखो, ये देखो आ रहा है ना मज़ा,
सेटिस्फेक्शन पूरा मिल रहा है देखने के। आ गई भाई हमारी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ऐसे तो पैसे हमें तो जल्दी से। अरे भैया हमें बड़े दिन में आज मुर्गी फंसी। ए पैसे दे इधर, पहले पैसे दे। मैंने दिए तू यार मेरे गुलदस्ते वो सामने ले लिए ना मैंने, इससे सामने हो गई, सामने हो गई। हैं भाइयों इसने मेरी बेल्ट ली थी देखो यूज करने के लिए, वो तोड़ दी थी पिछली सर्दियों में, ठीक है। अब वो मैंने सोच, मैंने कहा इसे वापस दे दे, किसी की चीज लेते हैं या तो साबुत लौटाते हैं उसके पैसे देते हैं, टूट जाती है तो, है ना। इसने ना बेल्ट दी ना इन्हें पैसे दिए। अब वो आज निकल रहे हैं, कितने महीने हो गए, 6 महीने बाद आज ने 500 का नोट दिया, कोल्ड ड्रिंक आई है, बाकी पैसे बचे भाई मैं अपने 300 रुपए इसमें रखूंगा। सीधी साफ सुथरा बात है। ले भाई दे दे इसे, ले भाई ले ले भाई जे रख, क्या ले वो भाई कोल्ड ड्रिंक पिला रहा आज अरविंद भाई। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है भाई 6:30 का और भाई मशीन अभी खड़ी कर दी है, काम दोस्तों अभी कुछ है नहीं है। और भाई मैंने कल वाला ब्लॉग डाला था, आज मैं कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट में दोस्तों उसमें ये लिख रहे हैं सब लोग, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप घर पे हो कि साइड पे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो यार ऐसे क्यों करते हो भाई यार, मैंने सुबह से ब्लॉग चालू करा, मैं घर था, फिर रेडी हुआ, फिर मैं मम्मी पापा को मिला, फिर भाई हम गाड़ी लेके चले, रास्ता दिखाया कि हम जा रहे हैं सोनीपत, ड्यूटी बताया कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, फिर मैं साइड पे आया, सागर सर से मिलाया, फिर हम साइड पे भी आए, मतलब एक्चुअल साइड भी यहाँ पे, तो ये भी मैंने दिखाया, फिर भी इतना देख के फिर भी कह रहे हो यार समझ में नहीं आया। भाई जितना क्लियरली मैं समझाता हूँ ना, शायद ही कोई समझाता है, क्योंकि जिस तरीके से मैं किसी भी चीज़ को समझता ना उसी तरीके से मैं समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ़ मानता हूँ, किसी भी चीज़ को समझने के लिए मैं बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आए कोई भी चीज़। और ये तो दोस्तों सिंपल ब्लॉग है, ये नहीं समझ में आया तो भाई यार कैसे काम चलेगा। तो भाई यार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में भाई जरूर होती है, किसी किसी ब्लॉग में चाहे ना हो इन्फॉर्मेशन, भाई डेली का रूटीन ही दिखाया हो, बाकी आज जैसे इस ब्लॉग में कितनी इन्फॉर्मेशन थी मशीन चलाने के बारे में, और आपको वो बताया कि ये जो VUP बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है स्ट्रेंथ की। तो बाकी दोस्तों इसकी ना टेस्टिंग जो है ऊपर भाई गाड़ी खड़ी करके भी होती है, लोड गाड़ी खड़ी करते हैं इसके ऊपर, जब कोई पुल वगैरह VUP वगैरह बनाते हैं, मतलब लोड दे के इस पर चेक करते हैं, रात भर गाड़ी खड़ी कर देते हैं भर के कि भाई बैठा नहीं बैठा या कुछ कोई भी प्रॉब्लम है तो पता लग जाता है, ऐसे भी चेक करते हैं वो दोस्तों, अलग कोई प्रक्रिया होती होगी मेरे को उसके बारे में पता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बताना ब्लॉग कैसा लगा और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू।